ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को पर्याय नहीं है। इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोग बोलते हैं कि नहीं, ऑनेस्टी जो है, प्रामाणिकता, उसको कोई कीमत नहीं है, आपको अप्रामाणिक बनना ही पड़ता है, आपको करप्शन करना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट से बदमाशी करके ही पैसा मिलाना पड़ता है, उसके सिवा काम होता ही नहीं है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं, मगर ये सत्य नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप डिसऑनेस्ट रहेंगे, आप शॉर्टकट कुछ मारेंगे, आप बदमाशी करेंगे, हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में फायदा होगा, मगर होता क्या है कि उससे एक बार लोगों को मालूम पड़ा कि आप अप्रामाणिक है, आप बदमाशी करते हैं, तो उसका बहुत दूर तक असर होता है। जब आप अप्रामाणिक रहते हैं, आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। हाँ, हो सकता है कि आप माल बेच रहे हो, उस समय आपने थोड़ा डुप्लीकेट माल बेच दिया, ग्राहक को मालूम नहीं पड़ा, उसने ओरिजिनल कंपनी का माल है करके वो कीमत दे दी, आपने डुप्लीकेट सरका दिया, आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, उसको उस समय आपको ज़्यादा पैसा मिल भी जाएगा, मगर जब ग्राहक को मालूम पड़ेगा ये कि नहीं, अपने को डुप्लीकेट माल मिला था या ख़राब हो गया था, वो बाद में जल्दी ख़राब हो गया था, बाद में आप एक्सपोज हो गए, तो आपसे वो नाराज़ हो जाएगा और आपके यहाँ फिर से आएंगा नहीं, आपके साथ में हरदम वो टूट जाएगा, आपके पास में कभी आएगा ही नहीं। वैसे रिलेशनशिप में है, जब रिलेशनशिप में काफ़ी सारे कपल्स मेरे पास में आते हैं, बोलते मेरा हस्बैंड झूठ बोलता है। झूठ क्यों बोलता है समझ में नहीं आता, अप्रामाणिकता क्यों है, और फिर उसके ऊपर फिर शक आते रहता है। लोगों को आदत ही है झूठ बोलने की। कितने सारे हस्बैंड हमारे पास में आते हैं, मेरी वाइफ झूठ बोलती है, बोले बोले सत्य बोलेंगे नहीं, और इतना फालतू झूठ रहता है वो कि उसमें झूठ बोलने का क्या कारण है समझ में नहीं आता। मतलब उनको झूठ बोलने की इतनी आदत लग जाती है कि उस झूठ बोलने में उनको मजा आती है, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें यह होता है कि सामने वाले आदमी के ऊपर रिलेशनशिप में बहुत गहरा प्रभाव उसका पड़ता है, असर होता है, ट्रस्ट नहीं रहता और रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में दरार आती है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं, बेटा बाप को बोलता है कि मैं कहाँ गया था उसके बारे में झूठ बोलेगा, पैसे चुरा लेगा, खर्चे कहाँ किए हैं उसके बारे में झूठ बोलेगा, या एखादी चीज़ खरीदने के लिए बोला है 500 की चीज़ है, बोलेंगे 550 में लाए, 50 रख लेंगे, कोई एडिक्शंस करेगा, लत आदतें, बुरी आदतें, वो करेगा, झूठ बोलेगा घर में आने के बाद में। मतलब जहाँ जहाँ झूठ है वहाँ वहाँ आप समझ के चलो कि आप जहर पी रहे हैं रिलेशनशिप में, जहर पी रहे हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे नहीं, बिजनेस आपका होगा, बिजनेस आगे बढ़ेंगे नहीं। ऑनेस्टी आपको रखनी ही पड़ेगी, प्रामाणिकता आपको, सच्चाई आपको रखनी ही पड़ेगी। सच्चाई ये लंबी रेस का घोड़ा होता है। इंटीग्रिटी मतलब क्या है? इंटीग्रिटी मतलब जो भी है वो आप ऑनेस्टली कर रहे हैं, सत्यवचनी है आप, एकवचनी है, आपने दिए वचन का आप पालन कर रहे हैं, और आपने जिस तरह का प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस आप पूरा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी आपके पास में, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, आप जो वचन देते हैं उसका पालन करते हैं, तो देखो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। हाँ, मैं बोला ना कि भाई समझो एखादा आदमी टैक्सेस चुकाता है, GST चुकाता है, कोई और टैक्सेस चुका के वो माल लाता है, फायदा हो सकता है उसको शॉर्ट टर्म में, बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि उस वो छुपाने के लिए उसको और चार पांच चोरी करनी पड़ती है और चार पांच चीज़ें छुपानी पड़ती है, और उसमें वो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि छुपाते छुपाते क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है, एक बार एक्सपोज हो गया कि उसका बड़ा फटका बैठ जाता है। दूसरा क्या है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ क्या बोला है ये अपने को याद रखना पड़ता है, उसमें बहुत एनर्जी जाती है कि क्या मैंने झूठ बोला हुआ था, फिर वो झूठ छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और फिर झूठ बोलने की श्रृंखला चली जाती है। जब सच बोलते हैं तो याद ही रखना नहीं पड़ता, क्योंकि सच बोला हुआ है, उसमें एनर्जी आएंगी नहीं, विश्वास आएंगे। तो इसमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, सच्चाई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये आपको बहुत आगे ज़िंदगी में लेके जाएगा, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज़िंदगी जीने के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार आपको मिल सकता है यदि आप लेते हैं। तो झूठ बोलने का नहीं है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी जो है वो आपको बहुत लंबे समय के बाद में सक्सेस देंगी, सक्सेस जरूर देगी। ऑनेस्टी जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, वो एक पाया है, जो पाया मजबूत रहा तो बहुत बड़ी बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो सकती है। हमारा ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं, और आपको कुछ सवाल होंगे तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन रहता है, आपको जो भी समस्या होगा उसका हम ऑनलाइन समाधान करेंगे। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। थैंक यू वेरी मच।